गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूं वेलकम टू दिस मेडिटेशन टाइम और इस मनन के समय में आप सब का स्वागत है एंड लेट अस कंटिन्यू द मेडिटेशन वी 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 स्टार्टेड ऑन सैटरडे और आइए हम उस मनन को जारी रखेंगे जिस मनन की शुरुआत हमने शनिवार से करी रिमेंबर वी हैव बीन कंसीडरिंग a parable that Jesus taught और यदि या आपको याद हो तो हम एक दृष्टांत के विषय में अपने मनन को रखे हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को सिखाया from the gospel according to saint matthew chapter 25 verses 14 to 30 और मत्तीराची सुसमाचार 25 वे अध्याय से और उसके 14वें वचन से लेकर 30वें वचन तक the uh, the parable that jesus the parable about uh, अबाउट अबाउटर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी एंड बिफोर ही लेफ्ट ही गेव सर्टन अमाउंट टू थ्री ऑफ सर्वेंट्स और ये दृष्टांत बात करता है एक स्वामी के विषय में जो स्वामी निकल जाता है एक लंबी यात्रा की ओर और, और इससे पहले की वो यात्रा की ओर निकले वो अपने तीन दासों को तोड़े सौपता है। Saturday, और हमारे शनिवार के मनन में हमने इस बात को देखा कि स्वामी कौन है सर्वेंट्स और वो दास कौन है एंड आर द प्रॉपर्टीज दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड और कौन सी वो संपत्तियाँ है जो वो हमें सौंपता है जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह Is the master and the believers, the followers of Christ are the servants. And uh, the amount is a reference to the talents and abilities and gifts that the Lord has given to his people. और वो तोड़े बात करते हैं या बात करते हैं इस विषय में या उदाहरण हैं या दर्शाते हैं उन योग्यता उन तोहफों को जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं ओके इन दिस मेडिटेशन टुडे और आज के हमारे इस मनन में लेट अस लुक इनटू द रिवॉर्ड दैट इज अवेटिंग हम देखेंगे उस तोहफे की ओर उस पुरस्कार की ओर जो हमारा इंतजार कर रहा रिमेंबर द फर्स्ट टू सर्वेंट्स डबल्ड देयर मनी और अगर आपको याद हो तो जो पहले के दो दास थे उन्होंने अपने हाथ में सौंपे गए तोड़ों को दुगना बना दिया एंड बोथ ऑफ देम रिसीव्ड अ कमेंटेशन फ्रॉम द मास्टर और दोनों ही दासों को अपने स्वामी से शाबाशी मिली ऑन हिज रिटर्न उसके वापस आने के पश्चात इन इज कमेंटेशन ही सेड दिस और अपनी शाबाशी देते हुए स्वामी ने यह कहा They were good. वो अब भले हैं They were devoted. वो उन्होंने भक्ति के संकार They were trustworthy. और वो विश्वास भरोसेमंद ठहरे They were faithful. और वो विश्वास योग्य ठहरे And they were reliable. और उन पर भरोसा किया जा सकता है The first received five talents. वो पहले दास को पांच तोड़े मिले And he brought five more. और उसने पांच और कमाए And the second slave did not apologize for bringing only two talents. बिकॉज ही रिसीव्ड टू टैलेंट और जो दूसरा दास था उसको दो तोड़े मिले और दो तोड़े से उसने दो और कमाए और इस बात की शिकायत नहीं करी कि उसने दो से ज्यादा नहीं कमा एज ब्रिलियंट एज दस्ट हो सकता five, uh, the, the हो सकता है वो उतना ज्ञानी और समझदार नहीं था जितना पहला दास था जिसने पांच से पांच और कमाए बट ही सिंसियरली फ्रॉड लेकिन उसने बड़ी सच्चाई के संग अपने कार्य को किया और अपने स्वामी के पैसे का मौका उठाकर हर एक उस बात को किया कि उसे व्यवसाय में दुगना और उसे भी वही शाभाषी प्राप्त हुई Because he was as faithful as the first क्योंकि वो भी पहले की तरह पहले दास की तरह विश्वास योग्य था besides द कमेंडेशन दी सर्वेंट रिसीव्ड अ डबल रिवॉर्ड और जो ये शबाशी थी इसके पश्चात इन दोनों दासों को दा जो है दुग्नी पुरस्कार भी मिलाउंस so, और आइए हम उस सबाशी की ओर देखें। और देखे। और तुम छोटी बातों बातों में में या कम योग्य ठहरे हो। और उसका पुरस्कार की क्या घोषणा की गई इन मेनी थिंग्स अब मैं तुम्हें कई और बातों का अधिकारी बनाऊंगा और इसके साथ साथ स्वामी ने और कहा

उस वो कहीं ज्यादा उस पैसे से भी बढ़कर निकला जो स्वामी ने उनके हाथों में सौंपे ओवरवेलमिंग रिचेस और इतना सारा समृद्धि एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी देयर और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनकी होंगी द मास्टर्स हैप्पीनेस और जॉय में रेफर टू अ फीस्ट गिवन ऑन द मास्टर्स रिटर्न और जो स्वामी का प्रसन्नता और आनंदता दिख इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक बड़ा भोजन उसने किया होगा उत्साह किया होगा जब वो वापस लौटा होगा जीसस यूजिंग अ वेरी सिचुएशन। यीशु मसीह तो एक बड़ी साधारण सी परिस्थिति का उपयोग कर रहा था मोस्ट ऑफ द सेक्रेटरीज और बिजनेस मैनेजर्स डॉक्टर्स एंड टीचर्स

found faithful और अगर वो दास विश्वास योग्य निकले ट्रस्ट वर्दी और भरोसेमंदर उन्हें, उन्हें अपने पुरस्कार और एक भोजन के उत्साह पर्व में एंड शेयर ऑल द फेस्टिविटी और उन सारी बातों में या उन सारे भोजन सामग्री में वो भाग ले सकते थे टू बी इक्वल इसके द्वारा उन्हें आजाद कर दिया जाता था ताकि वो अपने स्वामी के बराबर आ सके Now, how about the third? लेकिन तीसरे दास के विषय में हम क्या कहें कहेंड उसे बड़ी कटक्रूरता से दंड मिला There are three things. तीन बातें हैं नंबर वन पहली बात ही वॉज सेल्फिश एंड लेसी वो स्वार्थ स्वार्थी और आलसी था ही वुड सर्व ओनली हिम वो खुद के स्वार्थ का या अपना ही सेवा करता था नॉट हिज मास्टर ना कि अपने स्वामी की He had a wrong कंसेप्शन अबाउट हिज lord। और दूसरा उसे अपने स्वामी के विषय में एक गलत सोच उसके अंदर मौजूद थी शोड हिज डिसरेस्पेक्ट मास्टर और तीसरा उसने अपने स्वामी को अनादर किया बासके द्वारा बाई हाइडिंग द मनी ही रिसीव्ड फ्रॉम द मास्टर फॉर बिजनेस उस पैसे को छुपाने के द्वारा जो स्वामी ने उसे व्यवसाय में लगाने के लिए दिया था वाट इज दैट इफ यू हैनी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट अगर उसके पास थोड़ा भी आदर अपने स्वामी के प्रति होता तब वो कभी भी ऐसा ना करता and he was selfish और वो स्वार्थी था and he was jealous of the master probably और वो हो सकता है अपने स्वामी से जलता था Because he could have put that money into bank if he didn't want work अगर उसे काम नहीं करना था तो वो उस पैसे को उठाकर किसी बैंक में रख सकता then था then the master could have received at least the interest तब हो this सकता money. है स्वामी कम से कम उसका ब्याज तो उसे प्राप्त होता and this third servant क्योंकि उस गलत सोच के प्रति जो उसने अपने स्वामी के प्रति रखी आई नो इनिस्टियन लाइफ और इस मसीही जीवन में सम can lose so much of god's commendation god's reward and his is uh, treating us with himself और हम भी इस मसीही जीवन में कई, कई बार कई रीति से परमेश्वर की शाभाषी परमेश्वर के द्वारा दिए गए पुरस्कार को पाने से रुक सकते हैं अपने परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अनादर को करने के द्वारा गिवर और इसलिए उसे वो आदर आप दे जिसके योग्य वो है माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों बहुत सारे पुरस्कार आपके लिए इंतजार कर रहा है। Beyond the anything that the master has given us or placed in our hands। और उससे कहीं ज्यादा जो स्वामी ने हमारे हाथों में सौंपा या रखा है। For the responsibility you have done well। क्योंकि उन ज़िम्मेदारियों के प्रति आपने अच्छा किया है। The reward will be greater। रेस्पॉन्सिबिलिटी ही तब उन जिम्मेदारियों के प्रति आपका पुरस्कार उन जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा हो माई माई एक्सपोक्टेशन टू यू इस देश और मैं इसीलिए आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा डॉन्ट लूस मास्टर्स कमेंडेशन एट एनी कॉस्ट की आप स्वामी की शाबाशी को किसी भी शर्त पे ना चुके वाट द मास्टर विल सेट यू की वो स्वामी आपसे क्या कहेगा एन सेकंडली और दूसरा डोंट लूज द रिवॉर्ड दैट इज हाउटिंग और उस पुरस्कार को पाने से ना आप रह जाए जो आपका इंतजार कर रहा Remember, है इट इज नॉट हाउ मच यू हैव ब्रॉड याद रखिए ये इस विषय में नहीं है कि कितना आप लाते हैं एट दी एंड इट इज योर फेथफुलनेस एंड यूर सिंसियरिटी टूअर्ड्स गॉड That matters. क्योंकि अंत में ये तो आपकी सच्चाई है और आपकी दीनता है जो परमेश्वर के समुख मायने रखती है Be और इसलिए सच्चे बने रहें। अपने प्रेम में बी सिंसियर सच्चे बने रहे अपने परिश्रम में बी सिंसियर आप सच्चे बने रहे इन योर अटेम्प्ट टू अटेम्प्टिस गॉड ताकि आप परमेश्वर के लिए जो भी कार्य या सेवा करते And हैं उसमें सिंसियर और सच्चे बने रहे शेयरिंग द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक बांटे एज द बाइबल से जैसे ये पवित्र वचन बताता है कि प्रेम सच्चा होने पाए, and our love should be sincere, और इसलिए आपका प्रेम सच्चा हो, and I pray that uh, we shall not become victims of a personal agenda. और होने मेरी प्रार्थना यह है कि हम में से कोई भी व्यक्तिगत योजनाओं से ग्रसित ना होने and पाए, and lose the master's joy. और उस परमेश्वर के, उस स्वामी के आनंद को हम खो दे इस oh, कारण और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद really करते हैं us, कि ना केवल तूने हमें बचाया really talents, और ना केवल तूने हमें जिम्मेदारियां और तोड़े सौंपे हैं यू ऑल्सो है पावर टू डू वट यू एक्सपेक्ट लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ तूने हमें वो सामर्थ्य और शक्ति दिया है करने के लिए जो बातें तू हमसे चाहता है सो आदर करने पाए बड़ी सच्चाई और नम्रता के साथ एंडम ऑफ गॉड एंड फॉर अवर लॉर्ड और तेरे राज्य के लिए हम उन आत्माओं को जीतने पाए ताकि हम तेरी ओर से उस शाबाशी और पुरस्कार को प्राप्त करें फर्स्ट ऑफ ऑल और सबसे बढ़कर जॉय ऑफ लिविंग विद क्राइस्ट उस आनंद को हम प्राप्त करने पाए कि तेरे संग हमेशा जो हम जीवित रहेंगे यीशु के नाम गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दे ये एक महान दिन है और ये दिन एक अच्छा आपका सिंसियर और हमेशा मौकों को ढूंढे कि आप उसकी सेवा करें और सच्ची रीति से गॉड यू परमेश्वर आपसे प्रेम करता कर